Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. Aaj hum aapse baat karenge 5 ways to avoid psychological trauma in gynecomastia cases. क्योंकि गायनेकोमेस्टिया के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो आपको बताया कि हाउ टू मैनेज दिस प्रॉब्लम, जिसमें कि पेशेंट को काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है. तो फर्स्ट चीज़ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, क्यों? आप जितनी स्ट्रेस लेंगे उससे आप ही को प्रॉब्लम होगी, आपका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बढ़ेगा. सो यू शुड हैव प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए. इससे ये होगा कि कम से कम आपको मिनिमल स्ट्रेस रहेगी. दूसरा ये होता है कि यू शुड ओपन अप टू योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके कलीग्स हैं, उनसे इस प्रॉब्लम को आप डिस्कस कीजिए. बिकॉज यू नीड टू ओपन अप दीज पीपल, बिकॉज यू नीड सम सपोर्ट सिस्टम. एंड ये आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके गुड फ्रेंड्स हैं, ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होंगे. अगर आप इस सपोर्ट सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रामा मिनिमल रहेगा. थर्डली जो है, अगर कोई मेडिकेशन है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको गायनेकोमेस्टिया हुआ है, तो आपके जो डॉक्टर हैं कुछ दवाइयाँ आपको दे सकते हैं जिसके द्वारा अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो दे विल डू दैट आल्सो. दैट इज थर्ड मेडिकेशन. फोर्थ इज सर्जरी. देखिए, फोर्थ सर्जरी, वंस द ग्लैंड हैज़ एनलार्ज, जब ग्लैंड बड़ी हो चुकी है तो आपको उसको निकलवा लेना ही बेस्ट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड फिफ्थ इज काउंसलिंग. यू शुड गो टू ए काउंसलर ऑल्सो, जो आपको ये गाइड करेंगे कि भाई आपकी सर्जरी हो चुकी है, आपने करा ली है, अब आपको उस अपने आप को कैसे कोप अप करना है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ जीनी है. सो दीज आर द 5 वेज जो मैंने आपको बताना चाहूँगा बाय विच यू कैन अवॉइड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड गायनेकोमेस्टिया केसेस. लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो सर्जरी है. जब तक आप सर्जरी नहीं करवाएंगे, तब तक आप उस प्रॉब्लम को अपने बॉडी पे, अपने माइंड में लिए लिए घूम रहे हैं. और जब तक ये चीज़ नहीं हटेगी, आपका माइंड से वो डाउट नहीं हटेगा, वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कभी नहीं हटेगा. सर्जरी कराएंगे तो बॉडी भी आपकी हेल्दी फील होगी, बॉडी हेल्दी फील होगी, योर माइंड विल आल्सो फील हेल्दियर कि भाई अब मेरी ये प्रॉब्लम चली गई है. आपके काउंसलर भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा. सो द की टू ट्रीटमेंट इन गायनेकोमेस्टिया इज गेट द सर्जरी डन, एंड देन आई थिंक यू विल गेट रिड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा by approaching other 4 methods also which I have told you. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.